जी बच्चे, अब हम चलते हैं हमारे ग्रुप सी के लिए सब्जेक्टिव पोर्शन की तरफ, जिसमें हम सबसे पहले सेक्शन वन को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू है, उसका पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन एफिशिएंसी ऑफ अ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड, राइट डाउन इट्स फॉर्मूला। बेटा आपने इसमें एफिशिएंसी जो है उसके बारे में बताना है, जैसे हम एफिशिएंसी जो है उसको एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज यील्ड। ठीक है, उस पर आपने उसको एक्सप्लेन करना है और उसका फॉर्मूला लिखना है, जैसे कि परसेंटेज यील्ड इज इक्वल्स टू एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इसको आपने प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन लिमिटिंग रिएक्टेंट, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज कंट्रोल्ड बाय लिमिटिंग रिएक्टेंट वाई। सबसे पहले उन्होंने आपसे पूछा हुआ लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन, आप उसमें उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आप उसमें बेटा कोई सी भी दो एग्जाम्पल्स जो है वो कोट कर सकते हैं। इसमें आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की एक एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं, बर्निंग ऑफ कोल की एग्जाम्पल कोट सकते हैं, या फिर आपके बुक में जो स्लाइस और कबाब वाली एग्जाम्पल आप उसमें वो भी कोट कर सकते हैं। तो इससे आपको एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो कंट्रोल होती है लिमिटिंग रिएक्टेंट से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बच्चे क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज एवोगैड्रोस नंबर, गिव फार्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, एवोगैड्रोस के नंबर की डेफिनेशन लिखनी है आपने। ठीक है, उसमें आपने उसकी एक एग्जाम्पल भी कोट करनी है, कोई सी भी एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने बेटा उसके अंदर जो है वो नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने का आपने उसमें फार्मूला लिखना है और प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और फार्मूला में आपने कोई वैल्यू पुट करके उसका आंसर जो है वो भी, मतलब उसको प्रॉपर न्यूमेरिकल की फॉर्म में सॉल्व भी करना है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वन मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड शुड कम्प्लीटली रिएक्ट विद टू मोल्स ऑफ एन ए ओ एच, हाउ डज एवोगैड्रोस नंबर हेल्प टू एक्सप्लेन इट। ठीक है, ये बेटा आपके पास एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, जिसमें आपने सबसे पहले जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड उसकी आयोनाइजेशन को रिप्रेजेंट करना है वाटर में, कैसे वो अपने आयंस में कन्वर्ट होता है। उसके बाद फिर आपने बताना है कि एन ए ओ एच यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो किस तरह से अपने आयंस में कन्वर्ट होना है। उसके बाद आपने उनको जो है वो उनके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको आपने मल्टीप्लाई करना है एवोगैड्रोस नंबर के साथ, तो आपके पास एक प्रॉपर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, उसको आपने रिजल्ट में आपने उसकी प्रॉपर बैलेंस जो इक्वेशन है वो भी आपने लिखनी है। ठीक है, ये आपने पूरा न्यूमेरिकल जो है उसको सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, राइट डाउन द फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉल्वेंट सिलेक्टेड फॉर द क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन के लिए जो हम लोग सॉल्वेंट यूज करते हैं उसमें ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात है बेटा ये कि उसको इनएक्सपेंसिव होना चाहिए, यानी वो इतना कॉस्टली नहीं होना चाहिए कि हम एक एक्सट्रैक्शन करने में ही हमारा काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस जो है वो वेस्ट हो जाए। ठीक है, दूसरी बात, आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं उसमें। ठीक है, हम उसमें कहते थे कि उसको सेफ़ होना चाहिए सबसे पहली बात। ठीक है, सेकेंडली हम उसमें कहते हैं कि जो हमारा सॉल्वेंट है उसको इजीली रिमूवेबल होना चाहिए और उसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है वो नहीं होना चाहिए सल्यूट के साथ। ठीक है, इसके अलावा उसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ सल्यूट को अपने अंदर डिजॉल्व कर सके। ये बट आप नंबरिंग की फॉर्म में 4 to 5 ईजिली इसमें जो है वो कोट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ब्रीफली एक्सप्लेन द ईथर एक्सट्रैक्शन। जो ईथर की एक्सट्रैक्शन है उसको आप लोगों ने ब्रीफली एक्सप्लेन करना है कि यानी ईथर जो है वो किस तरह से एक्सट्रैक्ट जो है वो किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ईथर एक्सट्रैक्शन में जो डायथाइल ईथर है उसको हम लोग एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं कि उसमें एक सेपरेटिंग फनल के अंदर इसको शेक किया जाता है, जिसमें हमारे पास लेयर्स बन जाती हैं, क्योंकि इस ईथर की डेंसिटी कम होती है, इस वजह से वो वाटर की सर्फेस के ऊपर फ्लोट करना शुरू हो जाता है, तो वहाँ से उसको ईजिली कलेक्ट कर लिया जाता है। ये बेटा आपने पूरा प्रोसेस जो है इसके अंदर वो कम्प्लीटली एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल्स। ड्राइंग क्रिस्टल के लिए सबसे बेस्ट मेथड हमारे पास कौन सा है। जैसे कि आपने पढ़ा हुआ कि वैक्यूम डेसिकेटर जो है वो सबसे बेस्ट जो है वो मेथड है या मोस्ट रिलायबल मेथड है ड्राइंग क्रिस्टल्स को ड्राई आउट करने के लिए। इसमें आपने उसका पूरा प्रोसीजर लिखना है कि किस तरह से हम उसको जो है वो क्रिस्टल्स के सर्फेस के ऊपर जो है वो कवर करते हैं, फिर उसके बाद उसमें हम लोग ड्राइंग एजेंट जो है वो यूज़ करते हैं, सिलिकल जेल यूज़ करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड यूज़ करते हैं, वो पूरा प्रोसेस आपने इसके अंदर जो है वो एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 8, विच इज़ डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स ऑफ कॉपर 29 एंड सीजियम 55। ठीक है, इसमें बेटा आप लोगों ने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, -2, 2s, 2, 2p6 इस तरह से। नंबर ऑफ एटम्स जो है आप लोगों को प्रॉपर बताया गया था कि किस तरह से सॉल्व करने हैं। एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपने अपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एडजस्ट करने हैं। जहाँ पर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे, जैसे कॉपर के 29 है, अगर वो 29 कहीं पर कंप्लीट हो रहे हैं, जैसे 3d9 जो है हमारे पास आएगा, उसमें हमारे 29 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं, तो आपने वहीं पे उसको स्टॉप कर देना। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा जी हमारे पास थर्ड पोर्शन। ठीक है, इसमें भी हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, जस्टिफाई दैट 1 cm³ ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 cm³ ऑफ मीथेन CH4 एट STP यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर विल हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हेन 1 मोल ऑफ मीथेन इज 8 टाइम्स हैवियर देन दैट ऑफ
हाइड्रोजन, ठीक है। इसमें बेटा आपने इसमें प्रॉप जो है इसको न्यूमेरिकल की फॉर्म में जो है वो सॉल्व करना है मैथमेटिकली, ठीक है। सबसे पहले तो आप इसमें लिखेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम इसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स का, उसमें आपने उसका फॉर्मूला लिखना है। फिर आपने उनको नंबर ऑफ़ जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं उसमें आपने उसकी वैल्यूज़ पुट करनी है। वैल्यूज़ पुट करने के बाद जब उनको जो है वो सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आएंगे यानी 6 2.68 मल्टीप्लाई बाय 10^19 मॉलिक्यूल्स दोनों के इक्वल आएंगे, हाइड्रोजन के भी और मीथेन के भी, ठीक है। उसके बाद फिर आपने इसमें एक्सप्लेन करना है कि वो जो हमारे पास होता है साइज़ ऑफ जो साइज़ होता है किसी भी मॉलिक्यूल का या मास होता है, ठीक है ना, वो इफेक्ट नहीं करता वॉल्यूम को, ठीक है। ये आपने इसमें एक्सप्लेन करनी है सारी बात प्रॉपर न्यूमेरिकल के साथ, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है थ्रो सम लाइट ऑन द फैक्टर्स 1/273 इन चार्ल्स लॉ, ठीक है। ये बच्चे ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का, इसमें आपने क्वांटिटेटिव डेफिनेशन लिखनी है चार्ल्स लॉ की, ठीक है। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर है उसके ऊपर जो वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इंक्रीज और डिक्रीज करता है बाय 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 सेल्सियस राइज और फॉल इन टेम्परेचर, ठीक है। ये आपने लिखना है, उसमें आपने फिर इसके बाद इसमें कैलकुलेट करने के लिए यानी जनरल इक्वेशन है उसको कैलकुलेट कर वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए जो है वो आप लोगों ने इसमें लिखनी है, यानी वी टी इज इक्वल्स टू वी नॉट 1+T टी डिग्री सेल्सियस ओवर 273, ठीक है। इस फिर आपने इस इक्वेशन की जो है इसमें इंपॉर्टेंस भी एक्सप्लेन करनी है कि इस इक्वेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या मतलब है इस इक्वेशन का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बच्चे, वाइल डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस इज ओनली ओबेड बाय दोज गैसेस विच डू नॉट हैव अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग देम, कि सिर्फ ऐसी गैसेस ही क्यों जो है वो हमारे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो है वो ओबे करती हैं जिनके दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होती, ठीक है। तो इसका आंसर बेटा जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है उसमें इसमें ये चीज़ ज़रूरी होती है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो आइडियली बिहेव करें, यानी उसमें आइडियली बिहेव करने का मतलब क्या है कि उसमें इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक्स जो है वो इंडिविजुअल बिहेवियर जो है वो सारे गैस मॉलिक्यूल्स का होना चाहिए। अगर उनके दरमियान में स्पेसेस नहीं होंगे तो वो इंडिविजुअल बिहेवियर जो है वो शो नहीं करेंगे बल्कि गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। उसके लिए फिर इसमें इनके दरमियान में जो है वो ना स्पेसेस होना ज़रूरी है, इंटरमॉलिकुलर स्पेसेस होना ज़रूरी है ताकि जो है हमारे पास जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो इंडिविजुअल बिहेवियर जो है वो शो कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ हाउ वी कैन फिल्टर द सोल्यूशन लाइक कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड KMnO4, कि इनको हम लोग किस तरह से जो है वो फिल्टर आउट कर सकते हैं। सबसे पहले तो बात यह है कि इनको अगर हम लोगों ने फिल्टर आउट करना है तो हम इनको क्रूसिबल के थ्रू फिल्टर करें कर सकते हैं, लेकिन उसकी परफोरेशंस के ऊपर हमें उनकी उसकी परफोरेशंस को हमें जो है वो कवर करना पड़ेगा केमिकल्स के साथ, ठीक है। जैसे कि एस्बेस्टॉस मैट जो है उसके साथ हम उसको कवर करेंगे, देन जाके कहीं हमारे पास जो है वो HCl और KMnO4 जो है वो फिल्टर आउट होंगे। डायरेक्टली अगर आप उसको ग्रूज प्रिंसिपल से जो है वो करने की कोशिश करेंगे फिल्टर, तो वो फिल्टर आउट नहीं होगा, उसमें परफोरेशंस के ऊपर आपको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे जी हमारे पास क्वेश्चन है, गिव टू फैक्टर्स विच इफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन, कि दो ऐसे फैक्टर्स के नाम बताने हैं आपने जो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है उसको इफेक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें बेटा जैसे आपने नेम्स ही नहीं बताने, जस्ट कि आप बोल दें कि जी दीज आर द टू फैक्टर्स विच इफेक्ट द रेट ऑफ विच इफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन लाइक सरफेस एरिया एंड टेम्परेचर, नो आपने ऐसे नहीं करना, आपने उनको प्रॉपर एक्सप्लेन भी करना है। अगर आप उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो कोई से दो फैक्टर्स, कोई से भी सरफेस एरिया, टेम्परेचर, नेचर ऑफ लिक्विड, कोई भी आप दो जो है फैक्टर्स लेके उनको ईजिली आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, वाई डेल्टा एच वी इज ग्रेटर देन डेल्टा एच एफ, ठीक है। यानी जो हमारे पास डेल्टा एच वी है वो ग्रेटर क्यों है डेल्टा एच एफ के, ठीक है। इसमें बेटा आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है हीट ऑफ वेपराइजेशन को और हीट ऑफ फ्यूजन को, ठीक है। हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो हीट ऑफ फ्यूजन से वो क्यों ग्रेटर होती है, ठीक है। इस वजह से कि मॉलिक्यूल्स और आयन जो हैं वो आपस में स्मॉल चेंजेस और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेज उनके जो हैं वो होते हैं, जिसकी वजह से जो उनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है वो भी उसमें भी थोड़ा सा चेंज आ जाता है, ठीक है। तो ये आपने सारा कुछ सारा प्रोसेस जो है इसमें उसको एक्सप्लेन करना है प्रॉपर रीज़न के साथ के जो हमारे पास हीट ऑफ वेपराइजेशन यानी डेल्टा एच वी है वो ग्रेटर क्यों होती है डेल्टा हीट ऑफ फ्यूजन डेल्टा एच एफ के, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्वेश्चन है, वाटर इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड H2S इज़ अ गैस, ठीक है।
इसको आपने एक्सप्लेन करना है कैसा क्यों होता है, ठीक है। इसमें आपका प्रॉपर आपने रीज़न लिखनी है कि ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, इट बिहेव्स लाइक अ लिक्विड, वाइल वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज यानी लंदन डिस्पर्सन फोर्सेज होती हैं H2S मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, जिसकी वजह से वो जो है वो गैसेस के तौर पे बिहेव करते हैं। तो इसमें आपने बेटा दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन करके अच्छे तरीके से उसका प्रॉपर जो है वो आंसर लिखना है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंस ऑफ वैक्यूम डिस्टिलेशन। वैक्यूम डिस्टिलेशन जो है हमारे पास उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, लेकिन आप जो है वो दो से तीन चीज़ों को आप इसमें एक्सप्लेन करेंगे, जैसे कि इट डिक्रीज द टाइम फॉर डिस्टिलेशन प्रोसेस में, टाइम जो है वो डिक्रीज हो जाता है। डिकम्पोजिशन जो चाहिए है बहुत से सब्सटेंसेस उनको अवॉइड किया जा सकता है। थर्डली हमारे पास जो इकोनॉमिकल जो है इसमें लेस फ्यूल रिक्वायर्ड होता है, इस वजह से इकोनॉमिकली हमारे पास जो है वो इंपॉर्टेंट है, सेफ साइड रहता है इसमें हमारे पास जो चीप सोर्स है ये, ठीक है। इसमें आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उसका जो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, जस्टिफाई दैट टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। जो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव होती है, ठीक है। इसमें बेटा आपने प्रॉपर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसको एक्सप्लेन करना है सारे का सारा, ठीक है। उसमें आपने पूरा ये आपको एक न्यूमेरिकल या एक आप कह लें डेरिवेशन है, ठीक है, उस डेरिवेशन को आप लोगों ने कंप्लीट जो है वो सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपने उसका जो है यहाँ पे आंसर नीचे लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास क्वेश्चन है, राइट द नेम्स एंड वेवलेंथ ऑफ द वेरियस स्पेक्ट्रल लाइंस सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो बहुत सारी जो हमारे पास सीरीज आ जाती हैं, ठीक है, उसमें आपने उनको एक्सप्लेन करना है। जैसे हमारे पास जो है लेमन सीरीज है, बार्मन सीरीज है, ठीक है, ये सारी सीरीज आपने एक्सप्लेन करनी है और उनका आप लोगों ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी बताना है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के ऊपर वो कौन सा कलर या कौन सा रीजन जो है वो शो करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ नंबर वैल्यू ऑफ लेमन सीरीज व्हेन एन इज इक्वल्स टू 1 एंड एन इज इक्वल्स टू एन 2 इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो इसमें बेटा आपने लेमन सीरीज़ का जो फॉर्मूला है उसमें आपने एन वन की वैल्यू 1 रखनी है और एन टू की वैल्यू 3 लिखनी है, और उससे आपने उसकी प्रॉपर पूरी की पूरी जो है फिर आप उसकी कैलकुलेशन करेंगे, जो आंसर आएगा वो आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट डाउन द इक्वेशंस व्हेन न्यूट्रॉन हिट्स नाइट्रोजन एंड कॉपर मेटल। जब न्यूट्रॉन जो है वो कॉपर मेटल को जो है वो हिट करते हैं तो हमारे पास जो केमिकल इक्वेशन आती है वो दोनों की दोनों इक्वेशन आप लोगों ने इसमें लिख देनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज व्हाई इज इट नेसेसरी टू डिक्रीज द प्रेशर इन द डिस्चार्ज ट्यूब टू गेट द कैथोड रेस। के कैथोड रेस जो है उनको हासिल करने के लिए जो वो है सॉरी बेटा वो प्रेशर जो है उसको क्यों डिक्रीज़ किया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए बेटा आप लोगों ने क्या करना है, मैं सबसे पहली बात तो ये कि जो हमारा प्रेशर है अगर वो कम होगा डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर तो जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान में जो है वो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस जो हैं या एम्प्टी स्पेसेस जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इजीली उसके अंदर से पास आउट कर जाएंगे, ठीक है। अगर वो ओवर क्राउडेड होगा यानी उसमें क्राउडेडनेस ज़्यादा होगी, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे सॉरी ज़्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे या आपस में उनका प्रेशर जो है वो कम ज़्यादा होगा, तो उस वक्त में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स को रास्ता नहीं मिलेगा गुजरने का वहाँ से, तो इस वजह से उनमें ताकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ईजिली मूव कर सकें इसलिए हम जो है उनके में जो है स्पेसेस को क्रिएट करने के लिए उसका प्रेशर जो है वो क्या करते हैं डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ पॉजिटिव रेस इन द डिस्चार्ज ट्यूब। पॉजिटिव रेस का जो ओरिजिन है वो कहाँ से होता है, कैसे वो पॉजिटिव रेस जो है वो ऑब्टेन होती है, उनके लिए हम लोग